Hi, dear Super Champs, how are you all? Welcome back to our channel. Yes, learn and grow better. Let's check out the knowledge with today's video. Let's get started. Today we a new topic that is sexual reproduction. एज यू ऑलरेडी नो हम कर रहे थे साइंस क्लास सेवन चैप्टर टीप्रोडक्शन स्पो फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ये सारे मेथड हमने कवर करे थे अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी से जाइए चैनल पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी ताकि आपको ज्यादा स्क्रोल ना करना पड़े प्ले जो है यही रिप्रोडक्शन प्लांट्स के नाम से आपको इजीली मिल जाएगी तो आपको पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझना है और आज की वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि यहां पर हम ये देखेंगे प्लांट्स जो है अपने न्यू ऑफ को जेनरेट करेंगे बट सेक्सुअली करेंगे दैट मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा उनके सेक्स सेल जो है इन्वॉल्व होंगे इन दिस प्रोसेस बट कैसे तो यही तो डिस्कस करना है लेट्स गेट स्टार्टेड वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एन अनदर मेथड बाय विच प्लांट्स कैन ग्रो देयर ऑफ स्प्रिंग इन दिस प्रोसेस प्लांट अकर्स थ्रू द फ्यूजन ऑफ गेमीड्स दैट मीन्स सेक्स सेल विच इवेंचुअली गिव राइज टू सीड दैट डेवलप इन टू अ न्यू प्लांट इन दिस प्रोसेस

प्लांट इसके थ्रू प्लांट को ग्रो किया जा रहा था बिल्कुल ऐसे ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को यूज़ किया जाएगा न्यू प्लांट को डेवलप करने के लिए तो रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है वेरी वेल डन फ्लावर्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट नाउ द मेन हेडिंग इज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गैमीट्स मतलब क्या होता है सेक्स सेल अब इन सेल के अंदर क्या होती है इन्फॉर्मेशन होती है मेल बॉडी यानी कि जो पेरेंट्स हैं मेल बॉडी और फीमेल बॉडी के कैरेक्टर्स होते हैं अब ये कैरेक्टर्स जो हैं उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं दैट इज़ वाई दे आर नॉट टोटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट दे आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होते हैं दे आर सिमिलर दिखने में थोड़ा कुछ ना कुछ कैरेक्टर सेम होता है बट हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग जनरेट हुआ है जो बेबी प्लांट डेवलप हुआ है उसके सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल दिखने में सेम टू सेम एज इट इज़ टू देयर पेरेंट्स है ऐसा नहीं होता पर इसल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि ऐसे जो पेरेंट प्लांट है और जो न्यू बेबी प्लांट डेवलप हो रहे हैं उनके ऑफ जो जनरेट हो रहे हैं दे आर टोटली आइडेंटिकल क्यों क्योंकि उसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होता है, नहीं है उसमें हम वेजिटेटिव पार्ट को यूज करते हैं न्यू प्लांट्स को ग्रो करते हैं दैट्स इट बट इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को यूज किया जा रहा है और उस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में उस रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रोसेसिंग होती है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट है अब मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी इन्वॉल्व होगी क्योंकि मेल बॉडी में मेल सेक्स सेल होंगे और फीमेल बॉडी में फीमेल के सेक्स सेल होंगे वेन दे फ्यूज टूगेदर दे गिव राइज टू अ येस दे गिव राइज टू अ सीड एंड फाइनली अ न्यू प्लांट इज डेवलप आप आपको ये ध्यान रखना है मेल गैमेट यानी कि मेल सेक्स सेल को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स आर दी मेल सेक्स सेल एंड द फीमेल गैमेट दैट मीन्स फीमेल गैमेट को हम बोलते हैं ओव्यूल दीज आर दी फीमेल सेक्स सेल अभी पोल ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है ये पोल ग्रेन जो है मेल बॉडी प्रोड्यूस करती है और मेल बॉडी का कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है एंथर प्रोड्यूस करता है बिल्कुल ऐसे ही ओव्यूल जो है वो किस में होता है पिस्टल में होता है एंड पिस्टल इज दी फीमेल बॉडी पिस्टल भी कह सकते हैं या वी कैन ऑल्सो से एज कार्पेल आपको ध्यान रखना है पिस्टल और कार्पेल दोनों ही वर्ड जो है सिमिलर हैं पिस्टल और कार्पेल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फीमेल गैमिट है उसे हम ओव्यूल बोलते हैं मेल गैमेट को हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं और ये पॉलन ग्रेन कौन प्रोड्यूस करता है एंथर करता है डायग्रामेटिकली हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको बोला जाता है राइटर शॉर्ट नोट ऑन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन वॉट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड देन फाइनली यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ मेल एंड फीमेल गैमिट्स मीट टूगेदर अब प्रोसेस तो तब होगा ना जब मेल के सेक्सेल और फीमेल के सेक्सेल आपस में फ्यूज करेंगे बट हाउ दे फ्यूज बाय दी हेल्प ऑफ पॉलिनेशन प्रोसेस बाय दी हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन अब पॉलिनेशन क्या होता है अरे वेट सब पढ़ेंगे। आपको बस एक एक कर कर कॉन्सेप्ट को समझना है तो मेल और फीमेल गैमिड्स जो है वो मीट करते हैं बाय दी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन होता है एंड देन न्यू प्लांट डेवलप होता है बाय फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अब आपने बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स देखे होंगे तो सभी फ्लावर्स के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होना ज़रूरी नहीं है कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें एक ही पार्ट प्रेजेंट हो यानी कि या तो मेल या तो फीमेल या कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें दोनों प्रेजेंट हो तो इसके बारे में अब हम समझें इस फ्लार में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है फीमेल फ्लावर है ये और ये मेल फ्लावर है अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर तो मेल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और फीमेल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के क्या पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के क्या पार्ट्स हैं ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज ये यूनिसेक् फ्लॉर यूनिमी सिंगल सेक्सुअल मतलब सेक्स

आप देख पा रहे हो जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ दीज आर दी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो सिंगल फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो ऐसे टाइप के फ्लावर्स को हम बायसेक् फ्लावर बोलते हैं बायमी दो सेक्शुअल मीन्स सेक्स इन्वॉल्वमेंट नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन यूनि एंड बाय सेक्सुअल फ्लॉर तो बहुत इजिल मैंने आपको एक आइडिया बताया एक ट्रिक बताई यूनिमी सिंगल इधर मेल इधर फीमेल और बायसेक् मतलब दोनों सेक्स का इन्वॉल्व होना तो सम फ्लॉर्स अब स्टेमन क्या है stamen and अगर दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो वी कैन सेक्शल फ्लार तो आपको ध्यान रखना है इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो आप ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन में या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेमिन और पिस्टल तो स्टेमन और पिस्टल है क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आप डेफिनेशन को कैसे भी मोल्ड कर, कर लिख सकते हो तो बोथ बोथ एंड पिस्टल बायोसेक् तो एग्जाम्पल लिली रोज हिबिस्कस हिबिस्कोनियम मस्टर्ड और जो फ्लावर्स में ईधर द स्टेमन यानी कि ईधर द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ईधर द स्टेमन और द पिस्टल हैंस आर कॉल्ड यूनिसेक्शुअल फ्लावर एग्जाम्पल पपाया वाटरमेलन

Thanks for watching. Please like, share, and subscribe the channel. Learn and grow better.